ओम शांति। आज 18 जनवरी 1997 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं को, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सब तक तो पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो वह मीठे मीठे उल्हने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं वह मेरे सिकिले दे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं? ब्रह्मा बाबा भी बच्चों से कौन सी ऐसी शुभ आशाएं रखते हैं वो जानते हो? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सूरत दिखाए, सीरत दिखाए। बाप की सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से ये आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। ये भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता। इतने तक पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है। लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी है कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीदार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है। बाबा कहते ये दीवार जो है ना अभी, हाँ जानते हैं कि बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वो बाप दादा हमारा भी है। हाँ ये उनके आड़े दीवार आ रही है, तो उमंग उत्साह नहीं आ पाता इतना। बाबा कहते जानते भी है कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वह बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है।
एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का, एक कदम सहयोग का उठाते हैं, तो प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाए। होने वाला ही है, आपको भी यह नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद का वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सब के दिल में ये शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ भावना और शुभकामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आपे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे, अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगा। तो ऐसे रहमदिल बाप के मास्टर रहमदिल, मास्टर मर्सीफुल और मास्टर दयालु है, ये सदा स्मृति में इमर्ज रहे। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास अव्यक्तवाणी पर 9:45 बजे। ओम शांति।